बाल विकास एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित टॉप 25 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। प्रश्न पहला सवाल है, निपुण भारत में निपुण का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है पहला, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये क्या है, इसका राइट आंसर है पहला। प्रश्न दूसरा, इनमें से किस स्तर को हम बालवाड़ी के रूप में संचालित कर रहे हैं? प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, प्री स्कूल 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्री स्कूल 3। प्रश्न तीसरा, निपुण भारत किस आयु वर्ग के लिए लाया गया है? 3 से 10 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के लिए। प्रश्न चौथा, आपके द्वारा निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? वर्ष 2027-28, 2025-26, 2026-27, 2028-29। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2026-27। प्रश्न पांचवा, किस कार्यक्रम के अंतर्गत फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी FLN के लिए NCERT द्वारा विशेष पैकेज तैयार किया गया है? ऑप्शन ए निष्ठा, ज्ञान अमृत, दीक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निष्ठा। प्रश्न छः, निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न सातवां, बच्चों के प्रगति कार्ड में यदि हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक विकास आदि का उल्लेख करेंगे तो उस प्रगति कार्ड को किस नाम से पुकारेंगे? तो ऑप्शन है इसका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, 360 डिग्री परफॉर्मेंस कार्ड, 360 डिग्री प्रोग्रेस स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। प्रश्न आठ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, कक्षा 3 तक लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसे पढ़ाना है। प्रश्न आठवां देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षा 5वीं तक इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नौ, शून्य की अवधारणा को सबसे अच्छे से किस प्रक्रिया के माध्यम से सिखाया जा सकता है? जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटाओ। प्रश्न 10, टॉय पेडागॉजी का उपयोग किस विषय के अध्यापन के लिए किया जा सकता है? विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन, केवल भाषा सिखाने में, सभी विषय सिखाने में, केवल गणित सिखाने में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी विषय सिखाने में।
प्रश्न 11, टॉय पेडागॉजी का उपयोग किस विषय के शिक्षक द्वारा किया जा सकता है? खेलकूद वाले शिक्षक द्वारा, कला शिक्षक द्वारा, खेल शिक्षक द्वारा, सभी शिक्षकों द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी शिक्षकों द्वारा। प्रश्न 12, इनमें से कौन सा प्रशिक्षण FLN पर आधारित है? निष्ठा 1.0, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0, निष्ठा 4.0। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निष्ठा 3.0। प्रश्न 13, दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसका राइट आंसर है। प्रश्न 14, इनमें से कौन सा निपुण भारत का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है पूछ रहा है? नहीं है पे आप लोग स्पेशली ध्यान देंगे, मतलब बाकी तीन इसका लक्ष्य है और एक इसका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रश्न चौथा वाला, चिल्ड्रन बिकम कंटिन्यूअस लर्नर, ये इसका लक्ष्य नहीं है, बाकी सब उसका लक्ष्य है। जैसे चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ, चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर, तो ये तीनों हैं, चौथा वाला क्या है, नहीं है। प्रश्न 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अकादमिक संरचना है, इसका है 2+2+3+5, 10+2, 5+3+3+4, 5+3+3+2+2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5+3+3+4। प्रश्न 16, नवीन शिक्षा नीति में अकादमिक संरचना में शुरू के 5 वर्ष किसके लिए है? पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष और प्राथमिक के 2 वर्ष, पूर्व प्राथमिक के 2 वर्ष एवं प्राथमिक के 3 वर्ष, प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व प्राथमिक के 3 वर्ष और प्राथमिक के 2 वर्ष। प्रश्न 17, अकादमिक संरचना 5+3+3+4 में पहला 3 किन कक्षाओं के लिए है? 2-3 दिया है, तो पहला 3 किस कक्षा के लिए है? 1 से 3, 3 से 5, 6 से 8 पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 से 5 के लिए। प्रश्न 18, किसी भाषा में लिखे हुए शब्दों या वाक्यों को ध्वनि प्रतीकों में रूपांतरित करना कहलाता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग, रिकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिकोडिंग। प्रश्न 19, किसी पाठ को पढ़ने में आप विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं और विद्यार्थी आपके साथ पुस्तक पढ़ने हेतु सुनकर दोहराते हैं, ऐसे पठन को हम क्या कहते हैं? आदर्श वाचन, साझा पठन, मौन वाचन, स्वतंत्र वाचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साझा पठन। प्रश्न 20, पढ़ना सीखने के चरण में सबसे अंत में कौन सा चरण आता है? आदर्श वाचन, साझा पठन, मौन वाचन, स्वतंत्र वाचन। तो सबसे अंत में आएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र वाचन। प्रश्न 21, बुनियादी साक्षरता की सबसे उपयुक्त व्याख्या है? तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, समझ के साथ सुनना व प्रतिक्रिया देना, मौखिक अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण ढंग से और गहरी समझ के साथ पढ़ना व किसी विषय पर अपने शब्दों में लिखना, ये क्या है इसका राइट आंसर है। प्रश्न 22, इनमें से कौन सी दक्षताएं बुनियादी गणित से नहीं जुड़ी है? तो 999 तक की सभी संख्याओं को जोड़ घटा कर पाना, कैलेंडर व समय की समझ जैसे कि घड़ी देखकर समय बता पाना, बाजार से खरीदारी करते समय पैसों का हिसाब किताब कर पाना, गैर मानक इकाइयों से मापना जैसे कि मेज कितने हाथ लंबी है आदि। तो देखिए बी सी डी तो इसका है नहीं है बोला है, तो बुनियादी गणित है। तो 999 तक की सभी संख्याओं को जोड़ घटा कर पाना, ये क्या है, बुनियादी गणित से नहीं जुड़ा है।
प्रश्न 23, निपुण दस्तावेज के अनुसार कक्षा 3 के अंत में बच्चे की हिंदी टेक्स्ट को पढ़ने की गति कितनी होनी चाहिए? 23 शब्द प्रति मिनट, 40 शब्द प्रति मिनट, 50 शब्द प्रति मिनट, 60 शब्द प्रति मिनट। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60 शब्द प्रति मिनट। प्रश्न 24, निपुण भारत मिशन से जुड़ा कौन सा तथ्य सही है? तो तीन सही नहीं है, एक सही है। तो इसमें देखिए लिखा है, यह मिशन 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों पर केंद्रित है। उसके बाद है 2026-27 तक कक्षा 3 तक प्रत्येक बच्चा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। प्रश्न 25, सीखने सिखाने की किसी गतिविधि में बच्चे कब सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? जब शिक्षक बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाए, जब बच्चों को अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाए, जब गतिविधियां रोज कराई जाए, जब गतिविधियां बच्चों के स्तर के अनुसार हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जब गतिविधियां बच्चों के स्तर के अनुसार हो। ये रहा आज का टॉप 25 प्रश्न, एनएपी के लिए बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।